वाह क्या सीन है। सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। अभी तक तो सिर्फ गाइस मैंने आपको जो अपना प्रोजेक्ट क्रिमसोन इवेंट है उसका कैलेंडर बताया है, लेकिन यार फाइनली एंड फाइनली गाइस मुझे मिल चुका है हमारे प्रोजेक्ट क्रिमसोन इवेंट का ऑफिशियली इंटरफेस, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे और कहां से मिलेंगे। टोटली ये जो आज का वीडियो है गाइस ये बहुत ही ज्यादा मस्त होगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। ओके गाइस, तो ये रहा हमारे प्रोजेक्ट क्रिमसोन इवेंट का ऑफिशियली इंटरफेस जो कि आप लोग देख सकते हो। ये जो इंटरफेस है वो मुझे बाहर के सर्वर के यूट्यूबर से मिला हुआ है। यहाँ पे आप लोग जो भी सेक्शन को देख रहे हो, जो भी इंटरफेस को देख रहे हो, यही इंटरफेस हमारे गेम में आएगा। और सबसे गजब की बात यह है कि जो हमारा ओरियन कैरेक्टर है वो तुम्हें यहाँ से ही फ्री में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा हमारा लॉगिन रिवॉर्ड। क्या लगता है आपको लॉगिन रिवॉर्ड में क्या होगा? चलो अब मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस जो लॉगिन रिवॉर्ड है उसके अंदर होगे अपने इनक्यूबेटर के वाउचर। बाहर के सर्वर में यहाँ पे लॉगिन रिवॉर्ड में 5 इनक्यूबेटर के वाउचर दिए जा रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लॉगिन रिवॉर्ड के अंदर तो इमोट होगा। और ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपने इंडिया में अगर यहाँ पे इनक्यूबेटर होगा तो इनक्यूबेटर आपको 5 नहीं मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ 1 या फिर 2 ही मिलेंगे। फिर ना गाइस यहाँ पे साइड में टोटल 4 क्रेट देखने को मिलेंगे। अब इसी क्रेट के अंदर ये जो लास्ट वाला चौथा क्रेट है उसके अंदर ही अपना ओरियन कैरेक्टर होगा। सबसे पहला जो क्रेट है उसके अंदर आपको मिलेगा एक अवतार, और दूसरा यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा क्रेट है उसके अंदर एक गन का क्रेट होगा और दूसरा एक नॉर्मल सा रिवॉर्ड होगा। इसके बाद तीसरे क्रेट के अंदर आपको 5 वेपन रोल के वाउचर मिलेंगे और एक नॉर्मल सा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड उसके बाद लास्ट क्रेट यानी चौथे क्रेट के अंदर ही अपना जो ओरियन कैरेक्टर है वो आपको मिलने वाला है। आपको याद होगा, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ओरियन कैरेक्टर है वो हम सबको फ्री में मिलने वाला है। तो लोग गाइस यहाँ पे कंफर्म हो भी गया कि अपना जो ओरियन कैरेक्टर है वो 100% फ्री में मिलेगा। फिर ना अगर आप लोग लॉगिन रिवॉर्ड के नीचे देखोगे तो एक वांटेड ओरियन का सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या आएगा और कौन से रिवॉर्ड फ्री में मिलेगा वो तो मुझे कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल से कोई रिवॉर्ड फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है? जो अपना ओरियन कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ बेसिक से डिटेल्स यहाँ पे होगी। और उसके नीचे है हमारे स्कॉर्पियो शेटर का सेक्शन। अब इस वाले सेक्शन के अंदर होगी अपनी न्यू इवो M10 जो कि ऑलरेडी हमारे गेम में आ चुकी है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो अपना न्यू इवो M10 का फेडल विल है, ठीक है गाइस, वहाँ पे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे। यानी यार ये वाला सेक्शन अपने किसी भी काम का नहीं है। लेकिन गाइस उसके नीचे देखो स्कॉर्पियो रिंग लिखा हुआ है और साथ में यार जो अपनी फिस्ट की स्किन है उसका भी आइकन बना हुआ है। यानी गाइस ऐसा हो सकता है कि जो अपनी न्यू फिस्ट की स्किन है वो आपको टोकन विल में देखने को मिले। रिंग इवेंट यानी अपना जो टोकन विल इवेंट है, ठीक है गाइस, वही होता है। लेकिन टेंशन ना लो, न्यू फिस्ट की स्किन के बारे में बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब यार ये जो सारे रिवॉर्ड है वो हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इन सारे रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए हमारे पास एक टोकन होना चाहिए, बताऊंगा, ठीक है? लेकिन गाइस उससे पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जिसके पास डायमंड नहीं है, फ्री में डायमंड को लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ऐप के लिंक पिन है, डाउनलोड करना, गेम खेलना, गेम खेलने के बदले में पैसे मिलेंगे और उन्हीं पैसों से तुम लोग फ्री में डायमंड को ले पाओगे। तो जाओ जाके डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो आपको डेली बहुत सारे मिशन दिए जाएंगे जिसे आपको कम्प्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग मिशन को कम्प्लीट कर लेते हो तो ये जो रेड कलर का टोकन है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। आप लोग जितने ज्यादा टोकन को कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये टोकन बहुत काम आने वाले हैं। जब गाइस हमारे पास बहुत सारे टोकन हो जाएंगे तब हम इसका यूज कर पाएंगे। टोकन का यूज करने के लिए यहाँ पे जो साइड में लेवल अप लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग लेवल अप करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो 4 क्रेट है वो हमें मिलते जाएंगे। अगर बात करें ये वाला इंटरफेस हमारे गेम में कब आएगा, तो इसकी यहाँ पे 2 पॉसिबल डेट है, पहली अपनी 9 में और दूसरी अपनी 12 में। ज्यादा चांस तो यही है कि आने वाले 9 में को ये जो इंटरफेस है वो
हमारे गेम में आ जाए। सच में गाइस ये इवेंट बहुत ही बड़ा होगा और इसके अंदर तुम्हें और भी बहुत सारे रिवॉर्ड फ्री में मिलेंगे। जैसे कि आप लोग कैलेंडर के अंदर देख सकते हो, इसमें से हमें फ्री में इमोट मिलने वाला है और यहाँ पे देखो फ्री में बंडल मिलने वाला है। ये कैलेंडर बाहर के सर्वर का है लेकिन 90% से भी ज्यादा रिवॉर्ड सेम हो गए। बाकी गाइस कोबरा बंडल हमारे गेम में रिटर्न कब आएगा वो तुम्हें जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और हमारा न्यू ईवो बंडल गेम में कब आएगा वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।